गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कल हमने हमारी लास्ट जो क्लास हुई थी उसमें अधिगम के प्रकार संस्थापिक अनुकूलन या संस्थापिक अधिगम के बारे में हमने पढ़ा था। अब हम पहले जो कल पॉइंट पढ़े थे जो परिभाषिक शब्दावलियां थी उसके बारे में वापस एक बार चर्चा कर लेते हैं कि संस्थापिक जो अनुकूलन था वो वैज्ञानिक पावलोव ने दिया था। ये वैज्ञानिक रूस के थे और इन्होंने ये जो अधिगम है ये 1890 में दिया था और 1906 में इन्हें नोबेल प्राइज दिया गया था। और इस अधिगम की या अनुकूलन की सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि इसमें दो उद्दीपनों को एक साथ दिया जाता है। देखिए, इससे पहले जितने भी हमने अधिगम पढ़े उसमें सिर्फ एक ही उद्दीपन को दिया जाता है, लेकिन इस प्रकार के अधिगम में दो उद्दीपन को दिया जाता है। पहला जो उद्दीपन होता है वो उदासीन होता है, जिसे हम अनुकूलित उद्दीपन कहते हैं, और इस उद्दीपन में कोई अनुक्रिया नहीं होती है, जिसे मैंने कल CS से समझाया था। अर्थात जो पहला उद्दीपन होता है वो क्या होता है, अनुकूलित उद्दीपन, जिसे मैंने CS से दर्शाया था। सेकंड क्या होता है, देखिए पहला उद्दीपन है जब कोई अनुक्रिया नहीं हो रही, लेकिन हमें पता है कि मुझे कोई अनुक्रिया करानी है। अगर मुझे कोई अनुक्रिया करवानी है तो मुझे हमेशा क्या होगा, उद्दीपन देना पड़ेगा। इसीलिए जो पहला हमारा उद्दीपन था वो था अनुकूलित उद्दीपन। लेकिन सेकंड जो हमारा उद्दीपन है वो कौन सा है, UCS, कंडीशनल स्टिमुलाई अनकंडीशनल स्टिमुलाई। UCS का सामान्य अर्थ क्या है, अनअनुकूलित उद्दीपन। अनअनुकूलित उद्दीपन का मतलब क्या है कि मैं CS के साथ में अगर मैं UCS दूं तो क्या है, दो उद्दीपन है। पहला कौन सा उद्दीपन है, अनुकूलित उद्दीपन। दूसरा कौन सा है, अनुकूलित उद्दीपन। जब मैं दो उद्दीपन एक साथ देता हूं तो जीव क्या करेगा, कोई ना कोई अनुक्रिया करेगा। अब जब मैं UCS दे रहा हूं तो कोई अनुक्रिया नहीं होती, क्यों, क्योंकि मैं बता रहा हूं ये कैसा है, ये उदासीन है। लेकिन जब मैं UCS दूंगा अर्थात अनुकूलित उद्दीपन दूंगा और जंतु सिर्फ अगर मैं UCS ही दे रहा हूं और जंतु कोई अनुक्रिया करता है तो उसे UR कहते हैं, अर्थात अनुकूलित अनुक्रिया। UR का मतलब अनकंडीशनल रिस्पॉन्स, इसको कॉमन भाषा में UCR भी कहते हैं। अब जब मैंने सबसे पहले अनुकूलित उद्दीपन या केवल एक उद्दीपन दे रहा हूं, अनुकूलित उद्दीपन, उस कंडीशन में जब अनुक्रिया होती है तो मैं उसे अनुकूलित अनुक्रिया कह रहा हूं। अब चूंकि पहला उदासीन है कोई अनुक्रिया नहीं होगी, अगर मैं CS और UCS दोनों को जोड़ दूं, CS और UCS दोनों को जोड़ दूं और जीव कोई अनुक्रिया करता है तो वो हमेशा CR कहलाएगी, तो वो हमेशा क्या होगी, CR। अर्थात दोनों को जोड़कर अगर मैं कोई क्रिया करवाता हूं तो वो हमेशा कौन सी होगी, CR। अब इन्होंने क्या किया, इस अधिगम के अंदर तीन चरण थे। अब वापस रिवाइज कर लेते एक बार कि इस प्रैक्टिकल में किया गया था कि इसके अंदर पावलोव ने एक कुत्ते को एक पिंजरे के अंदर कैद कर लिया। अब जो कुत्ता है वो उस पिंजरे में कैद है। अब अपन को पता है कि जब तक कुत्ता भूखा नहीं होगा वो कोई क्रिया नहीं करेगा। अर्थात जब प्रारंभ में कुत्ते को रखा उसे वो बिल्कुल संतृप्त था, अर्थात उसे किसी प्रकार की भूख नहीं थी, वो कोई क्रिया नहीं करेगा। इसका मतलब वो कौन सा उद्दीपन है, अब वो कौन सी अनुक्रिया उद्दीपन है, तो वो है CS। अर्थात कोई वो आप कोई भी उद्दीपन नहीं दे रहे हो तो वो कोई अनुक्रिया नहीं करेगा, क्योंकि कुत्ता अभी भूखा नहीं है। लेकिन जैसे जैसे वो समय के साथ उस कमरे में या पिंजरे में रह रहा है तो क्या हो रहा है, वो भूखा हो रहा है। अब भूख लग रही है तो क्या हो रहा है, अब उसमें भूख लगने पर वो क्या होगा, वो इधर उधर घूमेगा। अब पावलोव ने क्या किया, सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि पावलोव ने
उस कुत्ते की लार ग्रंथि को काट दिया। अब उस कुत्ते की लार ग्रंथि को काट के वहां एक प्लास्टिक की नली लगा के उसकी लार का मापन किया। अब देखिए पावलोव ने इस प्रैक्टिकल में क्या किया, सबसे पहली विशेषता, सबसे पहला पॉइंट देखिए। सबसे पहले इसका प्रारंभिक चरण आता है। देखिए हमें कोई काम करना है तो हमें पहले उसको प्रारंभिक स्टार्टिंग चरण है। स्टार्टिंग चरण में क्या था कि जब कुत्ता भूखा हो गया, अब कुत्ता भूखा है तो पावलोव ने क्या किया, सबसे पहले भोजन दिया। अब देखिए जिस कमरे में ये प्रैक्टिकल किया गया था उस कमरे में सिर्फ किसी प्रकार की आवाज नहीं रिकॉर्ड थी, मतलब ध्वनि विरोधी कमरा था, अर्थात वहां किसी प्रकार की कोई भी वॉइस नहीं थी। अब उन्होंने क्या किया, सबसे पहले प्रारंभिक चरण में उन्होंने क्या किया कि कुत्ते को, जब वो कुत्ता भूखा है तो उसको भोजन दिया। अब अपन जानते हैं कुत्ते की एक प्रवृत्ति होती है, जब भी वो भोजन को देखेगा तो वो क्या करेगा, लार टपकाएगा। अर्थात मेरा जो भोजन है वो क्या है, UCS। अर्थात UCS का मतलब क्या है, अनुकूलित उद्दीपन। अब कुत्ते ने जो लार टपकाई है वो क्या है, UR। इसका मतलब इस कंडीशन को क्या कह रहा हूं मैं, अनुकूलित रिस्पॉन्स, UCR या UR भी कहते हैं। तो इसका मतलब क्या है, अनुकूलित रिस्पॉन्स। अब कुत्ते को भोजन दिया, उसने लार टपकाई, UCS to UCR। अब सेकंड मैंने क्या किया, अब मैंने कुत्ते को भोजन दिया, भूखा था, उसने लार टपकाई। अब पावलोव ने सेकंड चरण में क्या किया, एक घंटी ली प्लस भोजन दिया, एक घंटी दी प्लस भोजन दिया और कुत्ते ने लार टपकाई। अर्थात कहने का मतलब क्या है, एक हाथ से उन्होंने घंटी बजाई, सबसे पहले घंटी बजाने के बाद दूसरे हाथ में उन्होंने क्या लिया, रोटी लिया। अब कुत्ते को दो चीज दिख रही, दो उद्दीपन दिख रहे हैं, एक उद्दीपन तो क्या है, घंटी, एक उद्दीपन क्या दिख रहा है उसको, रोटी। अब कुत्ते को घंटी और रोटी दोनों उन्होंने दी उस कुत्ते को, और उसके बाद देखा कि जब घंटी और रोटी दोनों एक साथ दी जाती है तो कुत्ता क्या कर रहा है, वापस लार टपका रहा है। तो इसका मतलब मैं घंटी को क्या कहूंगा, घंटी को कहूंगा CS। भोजन क्या है, UCS। और चूंकि ये भोजन के कारण कुत्ते ने क्या किए, लार टपकाई है, इसका मतलब क्या है, UCR। इसका मतलब क्या हुआ, मैंने द्वितीय चरण में क्या किया, घंटी CS, भोजन UCS, और कुत्ते ने जो लार टपकाई है वो क्या हुआ, UCR। अब इस प्रैक्टिकल में क्या हुआ, सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि कुत्ते को घंटी प्लस भोजन अब लार। अब देखिए ये सेकेंड चरण है, अब तृतीय चरण में क्या होगा कि मैं सिर्फ अनुकूलित उद्दीपन दूंगा। अर्थात मैंने पहले चरण में क्या दिया, भोजन, जब भूखा था तो उसने क्या टपकाई, लार। दूसरे चरण में मैंने क्या दिया, घंटी प्लस भोजन, तो कुत्ते ने क्या की, लार टपकाई। अब तीसरे चरण में पावलोव ने केवल घंटी बजाई, ध्यान रखिएगा तीसरे चरण में पावलोव ने केवल घंटी बजाई है। तीसरे चरण में पावलोव ने केवल घंटी बजाई। अब हम जानते हैं घंटी क्या है, घंटी जो है वो अनुकूलित उद्दीपन है, इसका मतलब CS। और केवल उन्होंने घंटी बजाई तो उन्होंने देखा फिर भी कुत्ता लार टपकाता है, इसका मतलब ये इस प्रकार का जो अनुकूलन होता है उसे हम संस्थापिक अनुकूलन कहते हैं। और चूंकि ये अनुकूलित उद्दीपन के कारण हुआ इसीलिए इस लार को हम अनुकूलित अनुक्रिया कहते हैं। तो इसमें यह बताया गया कि हम कोई चीज, किसी चीज, दो उद्दीपनों को एक साथ रखकर हम जंतु से अनुक्रिया करवाते हैं, और एक समय अगर हम एक उद्दीपन को हटा देते हैं तो जंतु फिर भी वही अनुक्रिया करेगा। कैसे, जैसे घंटी प्लस भोजन जब मैंने दिया तो कुत्ते ने क्या किया, लार टपकाई। अब मैंने भोजन हटा दिया, घंटी बजा रहा हूं, फिर भी कुत्ता लार टपका रहा है, इसका मतलब इस प्रकार के अनुकूलन को, अधिगम को संस्थापिक अनुकूलन या संस्थापिक अधिगम कहते हैं। अब देखिए पावलोव ने तो ये जो प्रैक्टिकल किया था ये क्या किया था, ये जानवरों पे किया था। अब एक वैज्ञानिक थे वाटसन, एक वैज्ञानिक थे जो पावलोव के ही अनुज थे, इन्हीं के साथ काम करते थे। अब उन्होंने क्या किया, इस अधिगम को समझाने के लिए इंसानों पर लागू किया। देखिए अभी तक आपने जितने भी प्रैक्टिकल पढ़े अधिगम में,
ये सारे प्रैक्टिकल्स जानवरों पे लागू होते हैं। अब अपने ये दिक्कत ही आई, जानवरों पे तो लागू है, इंसानों पे कोई नहीं है। तो सबसे पहले वैज्ञानिक वाटसन थे, उन्होंने क्या किया था, ये प्रैक्टिकल को इंसानों पर लागू किया। अब देखिए, इंसानों पर लागू किया, और हम कल इस प्रैक्टिकल के बारे में पढ़ चुके हैं कि ये प्रैक्टिकल छोटे बच्चों पर ज्यादा लागू होता है। अब समस्या ये थी कि इस प्रैक्टिकल को लागू करने के लिए, समझने के लिए एक छोटे बच्चे की आवश्यकता थी। अब छोटे बच्चे पर अगर ये प्रैक्टिकल लागू किया जाए तो हर पेरेंट्स इस प्रैक्टिकल को लागू करने की अनुमति नहीं देगा। इसीलिए ध्यान रखना, वैज्ञानिक वाटसन ने यह प्रैक्टिकल अपने बेटे अल्बर्ट पर किया था। इसीलिए ध्यान रखना, सबसे पहला अगर ये पूछा जीके के कई बार कॉम्पिटिशन एग्जाम आता है कि अगर किसी वैज्ञानिक ने सबसे पहले इंसानों पर प्रैक्टिकल किया है स्वयं पे, तो वो वाटसन ने अपने बेटे अल्बर्ट पर किया था। वाटसन ने अपने बेटे अल्बर्ट पर किया था, और उस समय अल्बर्ट की जो आयु मानी जाती थी वो लगभग 5 वर्ष मानी जाती थी। अल्बर्ट की जो आयु थी वो लगभग 5 वर्ष मानी जाती थी। अब उन्होंने क्या किया उस प्रैक्टिकल के अंदर, उन्होंने सबसे बड़ी बात विशेषता क्या की कि अपन ने जो प्रैक्टिकल दिया पहला जो पावलोव ने किया था उसमें, तो उन्होंने क्या किया था, घंटी प्लस भोजन दिया और कुत्ते ने क्या किया, लार टपकाई। अब उन्होंने क्या किया, सबसे पहले इसी प्रैक्टिकल को अपने बच्चे पर किया, लेकिन कुछ टर्म्स में उन्होंने प्रैक्टिकल की जो शब्दावली तो सेम रखी, लेकिन प्रैक्टिकल में जो उपयोग की गई वस्तुएं हैं उनको चेंज कर दिया। कैसे किया, पावलोव ने, वाटसन ने सबसे पहले क्या किया, जब उनका बच्चा अल्बर्ट एक जगह बैठा था तो उसके कुछ दूरी पर उन्होंने एक फटाका, जिसको कॉमन भाषा में बम भी कहते हैं, फटाका फोड़ दिया। अब अपन को पता है कि जब 5 साल तक का बच्चा होता है, अगर उसके नजदीक कोई फटाका फोड़ा जाता है तो बच्चा क्या होगा, हमेशा डरेगा या वो और रोएगा। तो जब उन्होंने अल्बर्ट के पास फटाका फोड़ा तो अल्बर्ट क्या हुआ, उस फटाके को देखकर रोने लग गया, अर्थात उस फटाके को देखकर वो रो रहा है। तो इसका मतलब सबसे पहले मैंने क्या किया, फटाका, जब वो फटाका फोड़ा उन्होंने तो क्या हुआ, वो बच्चा क्या हुआ, रोने लग गया। वो बच्चा क्या है, रोने लग गया। इसका मतलब ये क्या है, UCS, और वापस क्या हुई, UR, UCS अनकंडीशनल स्टिमुलाई, और रिस्पांस कौन सा हुआ, UR। इसका मतलब सबसे पहले उन्होंने, पहले जो चरण था वहां क्या पावलोव ने किया था, भोजन की तो लार टपकाई, इन्होंने क्या किया, फटाका फोड़ा तो बच्चा क्या हो गया, रोने लग गया। ये इनका कौन सा चरण था, ये इनका फर्स्ट चरण था। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने सेकंड चरण के अंदर क्या किया, एक टेडी, आपने टेडी बियर देखे होंगे, खिलौना जो आजकल के बच्चे बचपन में ज्यादा खेलने के लिए यूज करते हैं, तो उन्होंने क्या किया, अल्बर्ट को एक टेडी दिया। अब देखिए बड़ी मेन टर्मिनोलॉजी है कि उन्होंने अल्बर्ट को क्या किया, एक टेडी बियर दिया, और इस टेडी बियर देने के बाद बच्चे के पास में फिर वापस पटाखा फोड़ा। अब पहली टर्म में क्या है, फटाका तो वो बच्चा रो रहा है, सेकंड टर्म में क्या है, टेडी बियर दिया और फिर उन्होंने बम फटाका फोड़ा, तो बच्चा क्या होगा, फिर वापस रोएगा, फिर वो बच्चा वापस रो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, टेडी तो क्या है, CCS, फटाका क्या है, UCS, और बच्चा क्या अभी भी रो रहा है, तो UR हो गया। अब देखिए पहले चरण में क्या था, फटाका और रो रहा है, पावलो में क्या था, भोजन प्लस लार, सेकंड चरण में क्या है, टेडी प्लस फटाका, बच्चा रो रहा है, पावलो ने क्या किया था, घंटी दी उन्होंने, प्लस उन्होंने भोजन दिया, कुत्ता लार टपक रहा था, या बच्चा रो रहा है। अब देखिए तीसरे चरण में क्या था, कि सिर्फ घंटी दी थी, वाटसन ने क्या किया, बच्चे को सिर्फ टेडी दिया। अब वो बच्चे को जब उन्होंने टेडी दिया, बच्चा फिर भी रोता है, बच्चा फिर भी रो रहा है, इस अर्थात बच्चे, अगर आप कुत्ते को सिर्फ घंटी बजाओगे वो लार टपका रहा है, और जो वाटसन का बच्चा अल्बर्ट था वो क्या है, इस टेडी बियर को देखकर भी डरता है, उसको ये लगता है कि जैसे ही मैं इस टेडी को हाथ लगाऊंगा एक फटाका फूटेगा, और उसको डर लगता है, अर्थात एक कल्पना उसके मन में विकसित हो गई, और जब उस बच्चे को सिर्फ टेडी बियर ही देते हैं, वो टेडी बियर को देख के बोचक का डर जाता है और वो उसको हाथ ही नहीं लगाता था। अर्थात जो थर्ड कंडीशन में
जब उस बच्चे को वापस टेडी बियर सीएस दे रहे हैं फिर भी वो बच्चा वापस रोता है, तो इसका मतलब ये जो कंडीशन होती है ये सीआर है। इसका मतलब पावलोव ने इस प्रैक्टिकल, वाटसन ने इस प्रैक्टिकल के अंदर ये बताया कि अगर किसी बच्चे के मन में कोई डर पैदा कर दिया जाए तो बच्चा हमेशा उससे भयभीत रहता है। इसी प्रैक्टिकल के द्वारा उन्होंने समझाया था और ये प्रैक्टिकल उन्होंने अपने बच्चे अल्बर्ट पर 5 साल की उम्र में किया था। तो अपने जो संस्थापक अनुकूलन है इसमें दो टर्मिनोलॉजी चलती है। फर्स्ट तो चलती है पावलोव की, अगर पावलोव को पूछे तो अपन को बताना है कि पावलोव ने ये प्रैक्टिकल जंतुओं पर विशेष तौर से कुत्ते पर किया, और सेकंड अगर इंसानों की बात करें तो ये प्रैक्टिकल इंसानों में वैज्ञानिक वाटसन ने अपने बेटे अल्बर्ट पर 5 साल की उम्र में किया। अब वापस रिवाइज कर रहा हूं कि पावलोव ने क्या किया, भोजन लार, घंटी प्लस भोजन फिर लार, सिर्फ घंटी बजाई तो कुत्ते ने लार टपकाई, और वाटसन ने क्या किया, सबसे पहले फटाका फोड़ा, क्या दिया, यूसीएस अनुकूलित उद्दीपन, क्योंकि हमारे पास दो ही उद्दीपन है, पहला उदासीन है जिसको मैंने कहा है सीएस, अगर सीएस को कहूं तो टेडी, दूसरा है अपना जो उद्दीपन है वो अनुकूलित यूसीएस फटाका, तीसरा है अपना अनुकूलित अनुक्रिया यूसीआर रोना, और जो चौथा जो टर्म्स है वो अपनी रहेगी, जो चौथी टर्म्स है वो है अनुकूलित अनुक्रिया सीआर। तो हमारा जो पहला जो टॉपिक था अधिगम का वो अब पूरा होता है। अब हमारा जो सेकंड टॉपिक शुरू होता है वो होता है सीमित अधिगम या अंकन अधिगम। हमारा सेकंड जो टॉपिक शुरू हो रहा है वो हो रहा है सीमित अधिगम। अधिगम का ही सेकंड पोर्शन है सीमित अधिगम या अंकन अधिगम। देखिए सीमित अधिगम या अंकन अधिगम क्या है इसके बारे में अपन अब चर्चा करते हैं। देखिए जब भी आपने एक छोटे बच्चे को देखा होगा, अगर मैं एक छोटे बच्चे की बात करूं कि जिसकी उम्र 1 से 5 साल है, 1 से 5 वर्ष का एक छोटा बच्चा है, आपने उस बच्चे की स्थिति को देखा होगा कि वो बच्चा बार बार जहां भी मां जाती है बच्चा उसके पीछे चलता है, अर्थात वो कोई विशिष्ट प्रकार की परिवर्तनीय अनुक्रिया नहीं करता, अर्थात जहां जहां मां जाती है बच्चा क्या होता है उसके पीछे पीछे जाता है। अगर आप इस प्रकार का प्रैक्टिकल जानवरों में भी देखोगे तो जो छोटे जानवर होते हैं वो हमेशा अपने परिवार के सदस्यों के पीछे चलते रहते हैं। तो इसी प्रकार की जो अधिगम होता है तो इस अधिगम के अंदर कोई विशेष प्रकार की विशिष्ट परिस्थिति में कोई अनुक्रिया ज्यादातर नहीं होती है। अब सीमित अधिगम 2 प्रकार का होता है, एक तो होता है संतानी अधिगम और एक होता है लैंगिक अधिगम। संतानीय अधिगम और लैंगिक, एक तो होता है पेरेंटल लर्निंग, सेकंड है रिप्रोडक्शनल लर्निंग। अब संतानीय लैंगिक क्या है, देखिए आपने हमेशा देखा होगा कोई जीव जब हमेशा जन्म लेता है तो वो भले इंसान हो भले वो जानवर हो वो कुछ समय अपने परिवार के सदस्यों के साथ बिताता है, अर्थात वह अपने परिवार के सदस्यों के साथ क्या होता है रहता है, और प्रत्येक जीव में यह कंडीशन पाई जाती है। लेकिन दुर्घटनावश किसी कारणवश अगर जीव के अगर किसी जानवर के किसी छोटे बच्चे के माता पिता की अगर पेरेंट्स की मौत हो जाती है तो वह जीव अपने ही समाज के दूसरे जीवों पर आश्रित होता है और वो उसी जीवों को देखकर अपनी अनुक्रिया करता है। अब सीमित अधिगम या अंकन अधिगम है, इसमें अंकन जो शब्द था वो सबसे पहले वैज्ञानिक लॉरेंज ने दिया था। देखिए वैज्ञानिक लॉरेंज बहुत कॉमन नाम है, वैज्ञानिक लॉरेंज ने ये सीमित अंकन अधिगम दिया था। इन्होंने ये बताया कि प्रत्येक जीव में जन्म के तुरंत बाद अपने ही परिवार के सदस्यों के साथ रहने की प्रवृत्ति पाई जाती है, और अगर अपन जूलॉजिकल बात करें तो मैं अंतर जातीय संबंध की बात कर चुका हूं,
मैंने अंतर जातीय संबंध में आपको एक चीज बताई थी कि प्रत्येक जीव जन्म के कुछ समय बाद अपने ही परिवार के सदस्यों के साथ संबंध स्थापित करता है। इसका मतलब जो भी जीव जन्म ले रहा है वो कुछ समय पैतृक संरक्षण में रहता है, और पैतृक संरक्षण इसलिए जरूरी है ताकि उस जीव को किसी प्रकार की दूसरे शिकारी जीवों से कोई नुकसान ना हो। अब अंकन अधिगम को, अंकन जो वर्ड है वो सबसे पहले किसने दिया था? वैज्ञानिक लॉर्ज। लेकिन संतानीय अधिगम को, संतानीय अधिगम को किसी वैज्ञानिक ने अगर सबसे पहले एग्जाम्पल उदाहरण के द्वारा समझाया था तो वो वैज्ञानिक हैंस ने समझाया था। ये नाम बड़े याद रखना, क्योंकि अपने इस जो पेपर है इसमें सारे एग्जाम्पल में अलग अलग वैज्ञानिकों के दिए हुए, और इन एग्जाम्पल से इजीली याद हो जाता है। अब वैज्ञानिक हैंस ने इस संतानीय अधिगम को समझाया था। अब कैसे समझाया अपन उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए इन्होंने क्या किया, एक इस प्रकार का एक टब लिया इन्होंने, हैंस ने संतानीय अधिगम को समझाने के लिए एक बड़ा सा टब लिया। अब टब में क्या किया, इन्होंने पानी भरा और बीच में एक, इनके बीच में जस्ट इन्होंने बीच में जस्ट एक इस प्रकार की संरचना का निर्माण किया। अब इन्होंने क्या किया, इस टब में एक प्लास्टिक की बतख, एक प्लास्टिक की बतख जो चाबी की सहायता से चलती है। आपने ऐसे कई खिलौने देखे होंगे जिसमें चाबी भरने के बाद अगर वो छोड़ दिए जाते हैं तो वो निरंतर, जब तक चाबी है उसके अंदर मतलब भरी हुई है तब तक वो निरंतर घूमते रहते हैं। तो इन्होंने क्या किया, एक ऐसी बतख ली जिसको चाबी की सहायता से चलाया जाता है। अब उस बतख को जब इस टब में भरे पानी पर रखा जाता है, जब पानी से भरे टब में रखा जाता है तो वो बतख क्या होती है, गोल गोल घूमती रहती है। अब वो बतख गोल गोल घूम रही है, अर्थात जब तक उसमें चाबी भरी हुई है वो बतख क्या करेगी, बार बार गोल गोल घूमती रहेगी। अब उन्होंने क्या किया, एक बतख का बच्चा लिया। अब उस बतख के बच्चे को क्या किया, उसके माता पिता को वहां से हटा दिया। अब माता पिता को वहां से हटा दिया और जो प्लास्टिक की बतख है उसके पास उस बच्चे को छोड़ दिया। अब यहां पर उन्होंने उस बच्चे को छोड़ दिया। अब उन्होंने देखा, हैंस ने देखा कि प्रारंभ में जो बच्चा है वो क्या करता है, उस बतख को देखता रहता है। अभी वो देख रहा है, इसका मतलब क्या है, वो उस बच्चे को देख रहा है, उस बतख को देख रहा है। अब काफी देर तक जब वो देखता है तो उसको क्या लगता है कि ये जो प्लास्टिक की बतख है यही मेरे माता या पिता है। अब वो क्या करता है, जैसे ही कुछ समय बाद बतख गोल गोल घूमती रहती है पानी में, बच्चा जस्ट उसके पीछे ही वापस वो भी घूमने लग जाता है। अर्थात आगे बतख और पीछे बच्चा दोनों उसी जगह तैरते रहते हैं। अर्थात जैसे कंटिन्यू वो बतख घूम रही है अगर आगे तो पीछे भी क्या है, वो बच्चा भी क्या है, बार बार गोल घूमता रहता है। इस कंडीशन को संतानी अधिगम कहते हैं। अर्थात उस बच्चे को ये लगता है कि ये जो प्लास्टिक की बतख है ये मेरे ही माता पिता हैं, और वो बार बार उस, जैसे ही वो घूम रही है बतख उसके पीछे जा जाके वो बार बार घूमता है। और जैसे ही अपन को पता, एक समय ऐसा आएगा कि जब चाबी खत्म हो जाती है, जैसे ही उस बतख में चाबी खत्म हो जाएगी वो बतख रुक जाती है, ठीक जस्ट उसके पीछे बच्चा वापस रुक जाता है। फिर वापस हैंस उस बतख में वापस चाबी भरता है प्लास्टिक की बतख में, और जैसे इसको वापस रखता है बतख वापस घूमना स्टार्ट होती है, बच्चा वापस उसके पीछे घूमता रहता है। अर्थात इस प्रैक्टिकल में एक तो उन्होंने मॉडल लिया प्लास्टिक का और एक जबकि सजीव बच्चा लिया बतख का। तो उन्होंने बताया कि प्रत्येक जीव के अंदर जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें ये गुण पाया जाता है कि वो अपना प्रारंभिक समय अपने परिवार के सदस्यों के साथ रहते हैं, और किसी कारणवश उसके माता पिता की मौत हो जाती है तो बच्चा अपने परिवार के दूसरे सदस्यों पर आश्रित हो जाता है। हैंस का ये जो प्रैक्टिकल था, ये प्रैक्टिकल यही समझाने के लिए था कि अगर
बच्चे के उनका कहने का मतलब है कि अगर उस बत्तख के बच्चे के माता पिता की मौत हो जाती है तो वो बत्तख का बच्चा एक प्लास्टिक के नमूने को देखता है तो उसको ये लगता है ये मेरे माँ बाप है, उसमें प्लास्टिक के नमूने में किसी प्रकार का हाव भाव नहीं है, लेकिन बच्चे को ये लगता है कि ये मेरे पेरेंट्स है और बच्चा उसको देखकर घूमता रहता है। तो इस प्रकार का जो अधिगम होता है वो क्या कहलाता है? संतानीय अधिगम। दूसरा होता है लैंगिक अधिगम। लैंगिक अधिगम संतानी, समझ में आ गया, मतलब छोटे बच्चों का अपने माँ बाप के साथ रहना। अर्थात अगर मनुष्य की बात करें तो मनुष्य में भी छोटे बच्चे होते हैं, वो जन्म के कुछ समय बाद साथ तक अपने माँ के पीछे घूमते रहते हैं। अब लैंगिक अधिगम क्या है, हम जूलॉजी के अंदर विशेष तौर से रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ते हैं और हम ये जानते हैं कि रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि जंतु प्रजनन के समय, अब देखिए अपन को पता होता है कि प्रत्येक जंतु का प्रजनन का समय जो होता है वो अलग अलग होता है, अर्थात अलग अलग मौसम के अनुसार उनका प्रजनन होता है। अब जब जंतु प्रजनन का समय आता है तो वो क्या करता है, अपने ही जाति के सदस्यों की क्या करता है, तलाश करता है। अगर फॉर एग्जाम्पल बात करूं, एक जाति के सदस्य है वो प्रजनन के लिए अपनी ही जाति के सदस्यों को क्या करेंगे, हमेशा चयन करते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, लैंगिक अधिगम का मतलब क्या है, अब जीवों में ये गुण जन्मजात होता है, जीवों में ये सिखाया नहीं जाता कि जनन का समय आएगा उनको जाना ही, कुछ सिखाया नहीं, ये उनमें आनुवंशिक ऐसे फैक्टर्स पाए जाते हैं जो उनको जनन के समय अपने आप प्रेरित करते हैं। और जंतु क्या होता है, जंतु उस समय जनन के लिए अपनी ही जाति के सदस्यों के क्या होता है, पास जाता है और प्रजनन करता है। और अपन ने ये बहुत बार पढ़ चुका है जूलॉजी के अंदर विशेष तौर से कि जनन के समय जंतु अपने जाति के सदस्यों के एक दूसरे के समीप आते हैं और क्या करते हैं, प्रजनन करते हैं। तो अधिगम के ये जो दो पॉइंट थे, आपने इन अधिगम के पॉइंट में एक चीज नोट की कि संतानी और लैंगिक अधिगम में कोई चीज सिखाई नहीं जा रही है। हमने इससे पहले जो परिवर्तनीय अधिगम पढ़े थे तो मैंने बताया था कि पावलोव ने घंटी बजाई, वॉटसन ने फटाका फोड़ा और दूसरे जो वैज्ञानिक थे उन्होंने पुरस्कार या सजा दी, लेकिन यहाँ उन्होंने कोई उद्दीपन नहीं दिया। उद्दीपन का मतलब अगर छोटा बच्चा माँ के पीछे जा रहा है तो माँ ने कोई उद्दीपन नहीं दिया। दूसरा, प्रजनन काल में नर मादा एक दूसरे के पास आ रहे तो कोई उद्दीपन नहीं दिया। अर्थात कुछ शरीर में सीमित या ऐसे अंकन अधिगम भी पाए जाते हैं जो क्या होते हैं, हमारे शरीर में आनुवंशिक कारण से, आनुवंशिक रूप से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या होते हैं, स्थानांतरित होते हैं और इसको जीन के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो इसका मतलब क्या है, संतानीय अधिगम और लैंगिक अधिगम। संतानीय अधिगम और लैंगिक अधिगम का मतलब क्या है कि दोनों ही कंडीशनों में, संतानीय और लैंगिक में, दोनों में ही जीव अपने ही जाति के सदस्यों के पास रहता है। और संतानी अधिगम में क्या है, अगर माँ बाप की मौत हो जाती है कल तो बच्चा अपने परिवार के साथ रह रहा है। और लैंगिक अधिगम में क्या होता है, लैंगिक अधिगम में जीव प्रजनन के लिए अपने ही जाति के सदस्यों के बीच आता है। तो अभी हमने अधिगम के दो प्रकार के बारे में पढ़ा है, पहला तो था परिवर्तनीय। परिवर्तनीय का मतलब क्या होता है, हमने उद्दीपन दिया और जंतु क्या करेगा, अनुक्रिया करेगा, उस कंडीशन को हम चेंज कर सकते हैं। लेकिन सेकंड जो कंडीशन थी, सीमित या अंकन, इसमें हम कोई विशेष प्रकार का उद्दीपन नहीं दे रहे, फिर भी जंतु क्या कर रहा है, अनुक्रिया कर रहा है, अर्थात अधिगम कर रहा है। तो आज की जो हमारी क्लास थी उसमें हमने पहला तो पावलोव और वाटसन का प्रैक्टिकल और उसके बाद हमने अंकन जो अधिगम है उसमें संतानी अधिगम और लैंगिक अधिगम के बारे में पढ़ा। अब हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी हम उसमें इसके आगे के टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे।